नमस्कार दोस्तों, नए साल की पूर्व संध्या पर मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको हैप्पी न्यू ईयर विश करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जाने वाला 2023 आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहा हो। निफ्टी जो आज की डेट में 21,500 तक चली गई है और स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद जो 1500 पॉइंट का निफ्टी में शार्प प्राइस लोगों ने देखा है, उसे देखते हुए बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे विचार हैं, शंकाएं हैं कि शायद मार्केट बहुत तेजी से बढ़ गई है, क्या मैं प्रॉफिट बुक कर लूं, क्या मैं निकाल लूं, कुछ बहुत गिर तो नहीं जाएगी, मार्केट क्रैश तो नहीं हो जाएगी, ऐसा लोगों में शंकाएं हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लास्ट ईयर जब निफ्टी 17,000 के आसपास चल रही थी, तब हमने एक वीडियो बनाया था और लोगों को बताया था कि निफ्टी 20,000 जाने वाली है और ये भी कहा था ये टारगेट लेटेस्ट सितंबर या अक्टूबर 2023 तक अचीव हो जाएंगे। और जो ऑलरेडी अचीव हो चुके थे, 20,000 का लेवल तो हमने सितंबर में ही देख लिया था, उसके बाद मार्केट कुछ टाइम तक स्ट्रगल करती रही 20,000 के पास और जैसे स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट आए तो एक शार्प प्राइस मार्केट ने दे लिया। तो जो डर कि क्या मार्केट गिर जाएगी, क्या मैं प्रॉफिट बुक कर लूं, तो उसमें मैं कहना चाहता हूं कि निफ्टी ने टेक्निकली इस जर्नी में, इस प्रोसेस के दौरान दो बड़े बुलिश ब्रेकआउट दिए हैं और जिनका टारगेट 23,400 तक बैठता है। हाँ सही, आपने सही सुना, निफ्टी 23,400 जाने वाली है। और दोस्तों आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर ये टारगेट इसी साल 2024 के अप्रैल या मई तक ही आ जाए। बस इसमें एक ही कैच है कि टेक्निकली निफ्टी अब 20,300 के नीचे 2 वीक लगातार बंद नहीं होनी चाहिए, जिसकी संभावना मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट निल है। तो आप हम 23,400 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए। तो जो अब जो भी डिप आए तो हम उसमें फर्दर इक्विटी एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए विद ए मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू। कुछ लोग बात करें कि फंडामेंटली मार्केट सपोर्टिव है, यस, आप देख रहे हैं कि इंडिया की एक अकेली इकोनॉमी है जो 6.7% ऑलमोस्ट 7% से बढ़ रही है, जो आरबीआई का टारगेट है, और हमारी इन्फ्लेशन भी 5.4% है। तो आप दोनों को जोड़ लें तो नॉमिनल ग्रोथ रेट आज 12% से ऊपर है, और जब भी नॉमिनल ग्रोथ 12% से ऊपर रहती है तो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी नॉर्मली 14-15% आती है। अगर हमारे कॉर्पोरेट 15% से बढ़ेंगे तो हमारी ईपीएस बड़ी तेजी से बढ़ेगा निफ्टी 50 का और इसकी मार्केट बहुत ऊपर जाएगी। तो इसलिए फंडामेंटली हम स्ट्रॉन्ग पिच पे, हमारे मैक्रोज बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे टेक्निकली स्टेबिलिटी है गवर्नमेंट में, हमारे फिस्कल डेफिसिट अंडर डिसिप्लिन है, तो सारे फैक्टर हमारी अंडर कंट्रोल है और टेक्निकली बुलिश ब्रेकआउट हो चुका है। एफआईआई की भी बाइंग बड़ी जबरदस्त आपने पीछे देखी होगी, एमएसआई इंडेक्स में भी हमारा वेटेज बढ़ रहा है। तो इन सब फैक्टर को कंसीडर करते हुए मैं अपने सब इन्वेस्टर से कहूंगा कि वो इन्वेस्ट करते रहे, प्रॉफिट बुकिंग की ना सोचे, और स्पेशली म्यूचुअल फंड के अंदर जहां फंड मैनेजर ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिव स्टॉक को बेच के दूसरे स्टॉक खरीदता रहता है तो वहां ऑटोमेटिक प्रॉफिट बुकिंग करता रहता है, तो यहां ऐसा करने का प्रयास ना करें बल्कि इक्विटी में बने रहें और एटलीस्ट इस जर्नी को एंजॉय करें और 23,400 तक वेट करें। धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको एक लास्ट में एक लाइन बोलना चाहता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके और मार्केट से ना घबराएं। थैंक यू वेरी मच।